वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जोन्स होगा। इस आज के एडिटिंग में आप लोग को नेवी ब्लू एंड ऑरेंज टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को हम +6 रखते हैं एंड टिंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को हम +8 रखते हैं एंड वाइब्रेंस की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर के लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, रेड कलर की लुमिनेंस की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम -14 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +28 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +19 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम -75 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन को -100 कर देंगे एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को हम -80 रखते हैं एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से हम बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसे हम +80 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, इसे हम -14 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को कुछ इस टाइप से स्लाइड करते हुए हम मिला लेंगे जैसे मैं मिलाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। सो गाइस, इसकी ह्यू है 236 एंड सैचुरेशन है 0। तो गाइस, यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो गाइस, इसे मैं +40 रखता हूँ एंड यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड को भी हम बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसका ब्लेंडिंग मोड की वैल्यू को हम +80 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी वायलेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को हम +44 रखते हैं एंड ऊपर की ओर जाते हैं
एंड नेक्स्ट जाएंगे हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे जो कि है ग्लोबल का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर की सहायता से इसकी भी ह्यू एंड सैचुरेशन को कुछ इस टाइप से हम मिला लेंगे जैसे मैं मिलाता हूँ। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को मिला लेना है। तो गाइस इसकी ह्यू है 230 एंड सैचुरेशन है 61, तो यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसकी वायलेंस की वैल्यू को हम कम कर देते हैं, तो इसे हम -16 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को हम +42 रखते हैं एंड डीएच की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस डीएच की वैल्यू को हम +21 रखते हैं एंड विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस विनियट की वैल्यू को हम -40 रखते हैं एंड इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू को हम +36 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी फेदर की वैल्यू को हम +100 कर देंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस इसे हम +32 रखते हैं एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं लेंस आइकन पे इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को हम ऑन कर देंगे। सो गाइस हमारी फ़ोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फ़ोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।